दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मियो 12 की अपडेट, तो हमारे इंडिया में और ग्लोबल या फिर चाइना की बात कर लेते हैं तो मियो 12 की अपडेट देखने को मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी। मियो 12 की अपडेट में आप लोगों को कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिली है, जिन लोगों ने अपने फोन को मियो 12 में अपडेट कर लिया है तो उन लोगों को सारे फीचर्स ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, और जिन लोगों ने अपने फोन को अपडेट नहीं किया, वेट कर रहे हैं मियो 12 की, तो उन लोगों को मालूम हो जाएगा क्या आप लोगों के फोन में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में यह बता दूं कि इंडिया में हमें मियो 12 की अपडेट कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी दिनों से हमारे K20 और K20 प्रो में मियो 12 की इंडियन बिल्ड की टेस्टिंग हो रही है। मैं आप लोगों को बिल्ड नंबर यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप लोग को IN देखने को मिल जाता है, यानी ये हमारा इंडिया वाला बिल्ड है। और इंडिया में रेडमी K20 और K20 प्रो में काफी दिन हो गए हैं अपडेट मिली हुए बीटा टेस्टर को, बीटा यूजर्स को। और दोस्तों, फाइनली इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पब्लिक रोल आउट आपके डिवाइस में कब तक देखने को मिल सकती है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को ये वाली डाउनलोड लिंक वाली पेज को ओपन करके दिखा देता हूं, तो यहां पे आप लोगों को सभी MIUI 12 या फिर MIUI अपडेट की लिंक सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो देख सकते हैं जितनी भी अपडेट्स हमें देखने को मिलती है, बीटा की हो चाहे स्टेबल की हो, आप लोगों को उसकी अपडेट यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग ऐसे न्यूज से वाकिफ ना रहे और आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना में बहुत से डिवाइसेस को मियो 12 की अपडेट देखने को मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस को अपडेट ऑलरेडी चाइना स्टेबल में मियो 12 देखने को मिल चुकी है। तो रेडमी K30 प्रो या पोको F2 प्रो, अगर आप लोग चाइना में रहते हैं तो आप लोगों को रेडमी K30 प्रो देखने को मिल जाती है, और आप लोग ग्लोबल में रहते हैं तो वही डिवाइस आप लोग को पोको F2 प्रो के नाम से देखने को मिलती है। और इस डिवाइस में भी आप लोग को मियो 12 की स्टेबल वर्जन चाइना में 12.0.1.0 की अपडेट देखने को मिल जाती है। तो ये K30 प्रो में देखने को मिल जाती है। अब बात करें तो K20 प्रो, तो यहाँ आप लोगों को रेडमी K20 प्रो या मी 90 प्रो देखने को मिल जाती है, जिसका ग्लोबल नाम है मी 90 प्रो, इंडिया में नाम है K20 प्रो। तो इसमें भी आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाती है। अगर पोको X2 या फिर रेडमी K20 की बात कर लेते हैं, तो पोको X2 या रेडमी K30 आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाती है, जिसमें चाइना में स्टेबल अपडेट में मियो 12 की अपडेट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मी 9 की भी डिवाइस में और मी 9 प्रो 5G की डिवाइस में मियो 12 की स्टेबल अपडेट मिल चुकी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, चाइना में हमें काफी सारे डिवाइसेस में, और ये वही सब डिवाइसेस हैं जो आप लोगों को राउंड वन में देखने को मिलती थी। तो राउंड वन में जितनी भी डिवाइसेस फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रही है, इन सभी डिवाइसेस में आप लोगों को मियो 12 की स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुकी है। जैसा कि यहां पर बताया गया था कि एंड ऑफ जून में आप लोगों को इन सभी डिवाइसेस में अपडेट देखने को मिल जाएगी। एंड ऑफ जून तक इन सभी डिवाइसेस में मियो 12 की स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है कि इन सभी डिवाइसेस में एंड के जून से पहले ही मियो 12 की स्टेबल अपडेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं और अपडेट मिलने वाली है राउंड टू की। तो राउंड टू में आप लोग यहाँ पर बहुत सी डिवाइसेज देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेज देखने को मिल जाती है। और इसमें से फ्रेंड्स, रेडमी नोट 7, नोट 7S, नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 8 प्रो, इन तीन डिवाइसेस में इंडिया में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, और फाइनली रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर क्लोज हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर 17 तारीख को लास्ट डेट देखने को मिलती थी, और 17 तारीख को ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब इन डिवाइसेस में रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो, नोट 7S, पोको F1, इन डिवाइसेस में आप लोगों को मियो 12 की इंडिया वाली रोम, ग्लोबल वाली रोम की अपडेट देखने को मिलेगी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस में अब आप लोगों को मियो 12 की स्टेबल बीटा की अपडेट देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि K20 और K20 प्रो की बीटा की जो टेस्टिंग है, स्टेबल बीटा की टेस्टिंग है, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। और उसकी अपडेट की फ्रेंड से बात कर लेते हैं K20 K20 प्रो की, तो आप लोगों को जून के 3rd वीक तक अपडेट देखने को पूरी उम्मीद है। स्टेबल पब्लिक रोल आउट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और फ्रेंड्स उसी टाइम आप लोगों को इन तीन डिवाइसेस में, जिनमें बीटा की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है, स्टेबल बीटा की टेस्टिंग हो रही है, इन तीन डिवाइसेस में आप लोगों को उसी टाइम बीटा अपडेट देखने को मिलेगी। और उससे कुछ दिन के बाद अर्ली जुलाई या फिर मिड ऑफ जुलाई, इन तीन डिवाइसेस में भी मियो 12 की अपडेट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी डिवाइसेस में भी जो भी इन्फॉर्मेशन आता है फ्रेंड्स, तो उसके भी अपडेट मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल पर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, आप लोगों को यहां पर ऐसे न्यूज की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे टेक न्यूज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे।